माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कुछ लोग जो यहाँ थे नीचे चले गए, मुफतराज जी हैं, विजय जी हैं, मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने दल इतना जल्दी क्यों बदल लिया। ये तो बहुत सारे लोगों को सीधे समझ में नहीं आता, क्योंकि एक आंख फूट जाए तो कहलाते हैं काणे। इस पीड़ा को समझ रहे हैं उद्धव राज और राणे। बहुत बढ़िया, लेकिन चलिए बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और परोपकार के कवि सम्मेलन के लिए तो मुझे इस कवि सम्मेलन से उतनी ही मोहब्बत है जितनी मिश्रा जी को माइक से है। बहुत बढ़िया ढंग से आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहाँ से बात शुरू करूँ? अरुण जैमिनी ने सचमुच प्रेम की कविताएं सुनाई। राजस्थान और हरियाणा में बहुत बड़ा फर्क है साहब। वो हरियाणा का, मैं विशुद्ध मारवाड़ी आदमी। इतनी लंबी प्यार पे कविता लिखे, इतने में तो 8 बार प्यार कर ले। बिना बात का काय का टाइम वेस्ट, प्यार के लिए इतनी लंबी कविता, इतने शब्दों का वेस्टेज हम कर ही नहीं सकते। मैं सच बता रहा हूँ, जयवंती बहन यहाँ पे बैठी हुई, एक मारवाड़ी लड़का के गुजराती छोरी से शादी हो गई, तो वो सास आई और मारवाड़ी छोरे को बोली, मारी 1,00,000 रुपया नी छोरी नो शू हाल की दूं। बोले 50 रुपये में वापस ले जाती है क्या? बोल। भाई बिजनेस पहले, सीधी सी बात है, इसमें क्या हुआ? जानते हो आप तो, बिजनेस गंदा आदमी का पहले चलना चाहिए। प्यार में इतना टाइम वेस्ट करे आदमी, हमने भी किया था कॉलेज के जमाने में, एक लाइन में खत्म, नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी, अगली को पता ही नहीं कि वो किसकी। ये होती है मोहब्बत, अगर मोहब्बत वोहब्बत में टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकता। अच्छा मारवाड़ी टाइम वेस्ट हो क्या? कुछ भी वेस्ट नहीं कर सकता। वो चले गए दो, तो वो परम आदरणीय माननीय मंजू जी यहाँ खड़ी हुई थी, काफी वो सचित्र देवर भावी संवाद किया आपसे उन्होंने, बिना बात के इनसे अड़ गई। मैं उनको कहना चाहता था, महिलाएं बहुत तालियां बजा रही थी मंजू जी के, मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी ऐसा, और आप बहुत खुश हो रही थी। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, इस मर्द जाति का भरोसा मत करना। हम लोग बहुत दो कोड़ी के होते हैं, जुल्फ की सारी तारीफ में सारी रात गीत गा सकते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए तो मुंह पे खींच के मारते हैं, हमारा कोई चरित्र नहीं होता। मैं सही बताऊं सत्यन जी, आपकी तरफ से जवाब देना चाहता हूं, और आपकी तरफ से नहीं, आपकी उम्र के जितने लोग बैठे हैं उनकी तरफ से। बोले इस उम्र में प्यार की बातें कर रहे हैं, क्यों? किसी को डायबिटीज होता है तो क्या वो रेस्टोरेंट में बैठ के मेन्यू कार्ड भी नहीं देखे? भाई प्रेशर कुकर कितना ही पुराना हो जाए, सीटी मारना थोड़ी छोड़ता है। सीधी सी बात है, मारवाड़ी आदमी वेस्ट नहीं करता सा, बिल्कुल टाइम और शब्द कुछ भी खराब नहीं कर सकता। वो सरदार आया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे गया क्या? वो नेताओं को गालियां देके क्या देख नहीं रहा? जयवंती बहन यहां बैठी हैं, अतुल भाई शाह यहां बैठे हैं, तारा भंडारी जी बैठी, और नेताओं को गाली दे रहा, कोई तमीज है? ये तरीका नहीं है। मैं सच बता रहा हूं जयवंती बहन, हम मारवाड़ी आदमी नेताओं को गाली नहीं देते। अच्छा अपन देते इसलिए नहीं कि दे तो कुछ सकते ही नहीं। भाई निकलवा ले हमसे, गाली भी देनी हो तो ढंग से दे, इसमें क्या? हम नहीं कहते नेता चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, भ्रष्ट हैं, डकैत हैं, इतने सारे शब्दों का वेस्टेज मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इतना सा कह दो नेता है। ऐसे कैसे वेस्ट कर दे कोई भी चीज, सवाल ही नहीं, कर ही नहीं सकते। मुगले आजम रंगीन कर दी बिना बात के, 20 करोड़ बर्बाद। मैं सही बताऊं रंगीन करने में 20 करोड़ बर्बाद। हमारे शहर के नीचे एक लड़का मिला, बोले टुल एकदम सिनेमा हॉल के नीचे, बोले रंगीन करने में 20 करोड़ बर्बाद। अरे मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुगले आजम रंगीन करने में 20 करोड़ बर्बाद। मैंने कहा हुआ क्या? अरे बोले 20 रुपए का पौवा पियो पूरा शहर रंगीन दिखता है। ये होता है काम।
तब एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, बाद में आदरणीय पवार जी और सुरेन जी को हमें सुनना है। एक कविता, चूंकि अरुण जैमिनी ने प्रेम का विषय उठाया है तो मैं प्रेम के विषय पे एक कविता सुना देता हूँ। है जी, अच्छा कोई फोन पे बहुत जोर शोर से बात कर रहा था, तो वाह वाह मिलके की जाती है, ऐसे नहीं की जाती है एक कोने से वाह वाह एक कोने आह आह दिख रही है, ये ऐसा नहीं होता है। चलिए साहब एक कविता सुनाता हूँ, मस्त बहुत व्यंग की कविता है, बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूँ, उनकी अगवानी में खड़ा हूँ मैं सुरेन जी और हरिओम जी की। जो प्रेम का विषय अरुण ने उठाया उसी पे सुना देता हूँ। जिंदगी में आखिर प्रेम करने का अधिकार किसको है साहब? क्योंकि मारवाड़ी आदमी तो प्रेम भी करता है तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना वेस्ट तो करते ही नहीं अपन शब्द, सब काम इनडायरेक्टली कर दो। मुझे तो क्लास में टीचर ने खड़ा किया, शैलेश खड़े हो जाओ, अपन खड़े हो गए, व्हाट गोज ऑफ माय फादर, खड़े हो गए, बोले मैं एक वाक्य बोलता हूँ वैसा वाक्य बोलो। मैंने कहा सर बोलिए वाक्य, उन्होंने वाक्य बोला सुनो शंकर भाई सुनना, बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। मैंने कहा सर पल्ले नहीं पड़ा बताओ। बोले बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पे है, टेबल इज ऑन द फ्लोर, टेबल जमीन पे है, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर, इसका मतलब किताब जमीन पे है। मैंने कहा सर आ गया समझ में, अब क्या करना है? बोले ऐसा का ऐसा वाक्य और बोलो। मैंने कहा सर सुनो, आपने कहा बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर, सर आई लव यू, यू लव योर डॉटर, सो अल्टीमेटली। क्या अतुल भाई ये मोहब्बत का इनडायरेक्ट तरीका? मैं तो बता रहा हूं अतुल भाई, हम तो गाली नहीं देते, मैं तो आ रहा था, अतुल भाई भूतपूर्व विधायक हैं गुजरात में, एक बार जयवंती बन में ट्रेन में जा रहा था, फंस गया, उतरा एक बार सूरत पे चाय लेने के लिए, वापस आया तो मेरी सीट पे एक भाई साहब बैठे हुए, अब सीट मेरी, लेकिन अपने राजस्थान के संस्कार तमीज कोई गाली थोड़ी देते हैं। मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। बोले नमस्कार। मैंने कहा आपका नाम? बोले शांति भाई। मैंने कहा बहुत अच्छा सा, हाँ एसी में ही था, हाँ एसी में था। वहाँ सुरेन शर्मा जी को याद है कि उस दिन मैं एसी में और पवार जी जनरल में थे, तो देशभक्त कवि हैं साहब वो, राष्ट्र पे ऐसे। तो मैं जा रहा था तो वापस आया तो सीट पे मेरे बैठे हुए गुजराती भाई साहब। मैंने कहा आपका नाम? बोले शांति भाई। मैंने कहा पिताजी का नाम? बोले कांति भाई। मैंने कहा शांति भाई ये सीट कांति भाई की नहीं है। क्यों देने डायरेक्ट गाली मुझे बताओ आप? मोहब्बत भी करनी तो डायरेक्ट कहने की क्या जरूरत है? लेकिन एक व्यंग उठाता हूं साहब, के जिंदगी में मोहब्बत करने का हक किसे है? तब बात कहता हूं कि आज वो फिर सामने से आ रही थी अपने बालों से लंबी सड़क पर अकेली। जिस तरह आपने ठहाकों में मेरा साथ दिया है, कविता से जुड़ना बहुत बढ़िया बात कह रहे थे आदरणीय सत्यन जी कि हमारे मन से चुराई गई चीजें आप इन दोनों लाफ्टर शो में सुनते होंगे, लेकिन कविता उससे कहीं बहुत बड़ी होती है। कविता लिखना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि ये लोग जो कविताएं करते हैं उनके लिए कहता हूं साहब कितने ही शो चला दीजिए कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है। दो शेर इनके नाम करता हूं, इन सब के नाम जो बड़े कलमकार यहां बैठे हैं, कि दिल आंखें बंद करके भी, एक कविता का शो मैं होस्ट करता हूं टीवी पे, इसलिए जानता हूं कि कविता कितनी बड़ी होती है। तब कहता हूं कि आप कुछ भी कर लीजिए कि दिल आंखें बंद, बाल बिरदारी थी अपने बालों से उसने, कि वो लड़की साथ में ना कोई सहेली लड़की थी या बिल्कुल पहेली, तभी सोचा उसने, किसने? मेरे पड़ोस में रहने वाला एक वो गरीब मुनीम का लड़का, जो ये रोज सोच के निकलता कि आज मैं कर लूंगा इस लड़की से बात, कह डालूंगा इसका हाथ पकड़ के कि क्या वो मेरे जीवन को महकाएगी, क्या वो मेरी जीवन संगिनी बन पाएगी। फिर सोचा उसने, किसने? मेरे पड़ोस में रहने वाला वो मुनीम का लड़का, जो रोज ये सोचकर घर से निकलता कि इस लड़की से बात कर लेगा वो रोज, ये कहां भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि लड़की इधर से आती है, अकेली आती है, गरीब लड़का इधर से आता है, रोज सोचता है कि इस लड़की से बात कर ले, पर बात नहीं कर पाता है। साहब देखिए बात करने का भी एक संस्कार होता है, हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है इन दिनों 14 फरवरी, वो हम कार्ड वार्ड फूल वूल उस दिन देते हैं सारे। वो मुझे तो पहली बार पता ही नहीं था कि वैलेंटाइन डे होता क्या है, मैंने मेरी मदर इन लॉ को कार्ड पोस्ट कर दिया, उधर से फोन आया रिस्क मत ले, मालूम नहीं पड़ता सब आदमी, कई बार मोहब्बत के अंदर ऐसी बातें और ऐसी हरकतें करने लगता है। तब कहता हूं कि आज वो फिर सामने से आ रही थी अपने बालों से लंबी सड़क पर अकेली, और रोज सोचकर ये घर से लड़का निकलता कि कह डालेगा उसका हाथ पकड़ के कि क्या वो मेरे जीवन को महकाएगी, क्या वो मेरी जीवन संगिनी बन पाएगी। रोज ये सोचता वो गरीब लड़का, लेकिन बात नहीं कर पाता था, और बात करना तो दूर, वो उसका नाम ही नहीं जान पाता था, और मन ही मन उसने उसका नाम रख दिया अनामिका। भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि नाम जान भी नहीं पाता है, उसका नाम रख देता है अनामिका। वैसे नाम का भी कोई चक्कर है, मैं और अरुण जैमिनी साहब अभी न्यूयॉर्क गए थे तो अमेरिका वाले तो मैंने तो एक नाम में निपटा दिया, वो लड़की पास में बैठी थी, बहुत बारीक बात करता हूँ लेकिन मारवाड़ी तो बारीक ही करता है। अमेरिकन लड़की थी, बोली व्हाट इज योर नेम? मैंने कहा पहले मैं क्यों बताऊं,
व्हाट इज योर नेम, वो बोली मून, मून मतलब चांद, बोले योर्स, मैंने कहा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सही बता रहा हूं साहब, मारवाड़ी अटकता नहीं है, कहीं नहीं अटकता। शेंजेन एक जगह है चाइना में, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, अभी हांगकांग थे अरुण जेमिनी और मैं, शेंजेन चाइना में, को एड्रेस भूल गए, वहां कोई समझने को तैयार नहीं, एक जने को ना हिंदी आवे ना अंग्रेजी आवे, कुछ नहीं। मैंने कहा अपन मारवाड़ी आदमी, तूने कहा अरुण चिंता मत कर, तू मारवाड़ कैसे काम करता। मैं चौराहे पे पेन लेके खड़ा हो गया, मैंने कहा पांच रुपए का एक, पांच रुपए का एक, पांच रुपए का, दो घंटे करता रहा पांच रुपए का एक। राज भाई एक आदमी आया थोड़े दो घंटे बाद, बोले यहाँ हिंदी कोई नहीं समझेगा। मैंने कहा बता एड्रेस। तो उसका नाम ही नहीं जान पाता था और मन ही मन उसने उसका नाम रख दिया अनामिका। अब जुड़े साहब उस दर्द से, उस संवेदना से, उस व्यंग से जिसके लिए मैं कविता करता हूं। आदरणीय सुरेंद्र जी बैठे हैं, हरिओम जी बैठे हैं, सत्यनदा बैठे हैं, इनको समर्पित करता हूं। जो बात कहने के लिए कह रहा हूं साहब, कि वो गरीब लड़का आता है, उससे प्यार की बात नहीं कर पाता, नाम ही नहीं पूछ पाता, और मन ही मन उसने उसका नाम रख दिया अनामिका। हाँ, वो आई अनामिका अपने कोट के टूटे बटन को। मैं जानता हूं आप सब सारे वो लोग हैं जिन्हें गरीबी से कभी वास्ता नहीं पड़ा, और ईश्वर न करे कभी गरीबी देखनी पड़े, लेकिन उस भावना से जुड़ना कि इस समाज में आखिर प्यार करने का अधिकार किन लोगों को है, तब एक टिप्पणी करता हूं कि वो अपने कोट के टूटे बटन को छिपाते हुए पहुंचा अनामिका के पास, उससे नजरें मिलाई, नजरें मिलाते ही न जाने क्यों वो प्रणय निवेदन तो नहीं कर पाया, किंतु अचानक उसे कुछ याद आया। वो गरीब लड़का उस लड़की से नजरें मिलाता है, नजरें मिलाते ही न जाने क्यों वो प्रणय निवेदन तो नहीं कर पाया, किंतु अचानक उसे याद आया, याद आने लगा उसे घर की टूटी छत से टपकता हुआ पानी। दर्द से जुड़िएगा, याद आने लगा उसे घर की टूटी छत से टपकता हुआ पानी, माँ की दो साड़ियां सालों पुरानी, बापू की खांसी और खत्म होती दवाई, बहन की बरसों से सूनी कलाई, कमरों में पसरा घना अंधेरा, हर तरफ लगा भूख का डेरा, टूटी फ्रेम में डिग्री का टंगा होना, और दिन भर की सिसकियां रातों का रोना। याद आने लगा उसे घर की टूटी छत से टपकता हुआ पानी, माँ की दो साड़ियां सालों पुरानी, बापू की खांसी और खत्म होती दवाई, बहन की बरसों से सूनी कलाई, कमरों में पसरा घना अंधेरा, हर तरफ लगा भूख का डेरा, टूटी फ्रेम में डिग्री का टंगा होना, और दिन भर की सिसकियां रातों का रोना। और बगैर बात की आगे बढ़ गया, ये सोच के कि कल कर लूंगा उस लड़की से बात। मेरे जी में आया कि रोक लूं उसे और समझाऊं। उस पंक्ति से जुड़ना, कोई व्यंग नहीं, सपाट बात कहता हूं और सीधी सीधी बात कहता हूं। मेरे जी में आया कि रोक लूं उस लड़के को और समझाऊं कि अरे ना समझ, अगली बात पे टिप्पणी करता हूं अगर ध्यान चाहूंगा, अगर आप सभी का कहता हूं उससे, अरे ना समझ सपना देखना, ये मेरे जी में आया रोक लूं उस लड़के को और समझाऊं कि अरे ना समझ सपना देखना, ये समाज में तो दो वक्त की रोटी का देख, नौकरी छोटी मोटी का देख, अनामिका का नहीं, क्योंकि मेरे समाज की अनामिका रिजर्व्ड हैं। मेरे समाज की अनामिका हैं, रिजर्व्ड हैं। अरे जिनकी जेबें भारी होती है उनको मिलती अनामिकाएं, जिन्हें सिर्फ दौलत प्यारी होती है उनको मिलती अनामिकाएं, जिनकी आंखों में चांदी की चमक होती है उनको मिलती अनामिकाएं, जिनके चेहरों पर दौलत की दमक होती है उनको मिलती अनामिकाएं। और तूने ये कैसे सोच लिया कि वो तेरी हो जाएगी और तुझसे कोई रिश्ता बनाएगी। अगली एक बहुत कटु टिप्पणी करता हूं, अगर आपको ठीक लगे मेरे समाज का सच तो मुझे बताइएगा कि तुझसे कोई रिश्ता बनाएगी और तेरी हो जाएगी। अरे ये गरीब मुनीम के लड़के और जेब से निपट करके मेरे देश में रिश्ते लड़के और लड़की में नहीं, स्टेटस टू स्टेटस बनाए जाते हैं। वाह वाह वाह, मेरे समाज में रिश्ते लड़के और लड़की में नहीं, स्टेटस टू स्टेटस बनाए जाते हैं। दोस्ती कारों से कारों की होती है और प्यार बंगलों से बंगलों के बीच में किया जाता है। और तूने ये कैसे सोच लिया कि वो तेरी हो जाएगी और तुझसे कोई रिश्ता बनाएगी, इसलिए उसे प्यार करने का मोह मत करना। और हां अनामिका, इस बालक को, इस बच्चे को, इस लड़के को इस अपराध के लिए क्षमा करना, क्योंकि वो नहीं जानता, मेरे समाज की यही परंपरा रही है कि अनामिका उस जैसे लोगों के लिए नहीं है। अनामिका, वाह 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 वाह। चलिए, क्या कार्यक्रम में ऐसे कोई आता है दिक्कत हो जाती है साहब। हमारे यहाँ तो शहर में साइकिल पे एक लड़का आगे जा रहा था, हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब, बोले पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। बिगाड़ ले उसका, कोई क्या बिगाड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक औरत आधे घंटे तक हाथ किया, वो मुड़ी नहीं रही। मैंने कहा बहन जी भूल गई क्या, बोले नहीं नहीं मैं तो नेल पॉलिश सुखा रही थी। कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसों का। तो हमने कहा हम कुछ वेस्ट नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते, दो रुपये खर्चवा ले कोई मुझसे। अच्छा टाइम पे हो तो खर्च भी कर दे, सही बात है खर्च। मेरे घर पर आया एक आदमी स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेने, मैंने दो बाल्टी पानी टिका दिया। मैंने कहा इससे ज्यादा क्या लगेगा बता, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी है।
एक आदमी आया बोले पैसा चाहिए, मैंने कहा किस चीज के लिए चाहिए, बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। मैंने कहा बत्तमीज आदमी खड़ा हो, कहाँ के लिए पैसा मांग रहा है, शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जा जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता, काय का पैसा, गेट आउट भाई, टाइम पे खर्चो तो समय। अमिताभ बच्चन जी सारे देश में पूछते घूम रहे हैं 2 करोड़ मिल जाओगे तो क्या करोगे, मैंने कहा पूछ किसी मारवाड़ी से मैं बताता हूँ क्या करेगा। एक दिन मिल गए, क्या करोगे, मैंने कहा गिनूंगा। दो करोड़ मिलते ही गिनेंगे, इसमें क्या हुआ भाई, वेस्टेज थोड़ी कर सकता है। अच्छा हम टाइम पे खर्च कर सकते हैं, और वेस्ट इसलिए नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन पे आपका ध्यान चाहता हूं, आप तो खुद बहुत सारे मारवाड़ के होंगे, ऑब्जर्वेशन ठीक लगे तो बताइएगा। सारी दुनिया में जयवंती बहन हमारी ही कौम ऐसी है, जो चीज भी साफ करनी हो तो कपड़ा गंदा मांगती है। मैं सही बता रहा हूं, मैं सही बात है कि नहीं, आप बताओ, गंदा कपड़ा दे, बोले क्यों, टेबल साफ करनी है। हम तो इतने पॉजिटिव लोग हैं कि कुएं में गिरता है तो नहाने के लिए साबुन मांग लें, होता है सब इतने, हमारा टाइमिंग बड़ा एक्सपर्ट है, टाइमिंग के एक्सपर्ट हम इसलिए, फिर एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं और आपको मजा आया तो मुझे बताएगा, हम टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए हैं सत्यन दादा क्योंकि हम सारे के सारे लोग चाय में पार्ले जी डुबो के खाने वाले, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। एक सेकंड जल्दी उठा लो बिस्किट कठोर का कठोर, एक सेकंड देरी कर दो ढूंढते रह जाओगे। आइए, अच्छा चलिए साहब, एक नेताजी और आ गए हैं, हमारे खास दोस्त राजकीय पुरोहित जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, आप आ गए हैं। नहीं, राज के पुरोहित ने जो नेता, जयवंती बहन कह रही है नेता की डेफिनेशन राज के पुरोहित जी ने नहीं सुनी, क्या खुद को जानते नहीं है क्या। मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं तारा जी, राज के पुरोहित जी और मैं, तीनों एक ही धरती से उठे हुए लोग हैं सुरई के। राज भाई आ गए तो बहुत बढ़िया हुआ, इनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और अच्छा इसलिए भी लगता, आज मैराथन दौड़ के आ रहे, देखते हो आप इसे, मुंबई मैराथन से आ रहे हैं। अच्छा मारवाड़ी तो अगर मैराथन में भी दौड़े तो हमें बता रहे हैं सर, हम तो इतने मितवेई लोग हैं कि हनीमून पे भी अकेले चले जाएं। मैं सच बता रहा हूं आपको, टूटा फूटा भी बेच दे आदमी, टूटा फूटा मारवाड़ी कुछ भी बेच सकता है। बताता हूं साहब, एक जगह सेल्समैन चाहिए था और बोले रामायण बेचनी, आओ, एक मारवाड़ी चला गया, बोले मैं भी बेचूंगा। अब बोले टूटे फूटे खुद से तो खुद बिक नहीं रहा, रामायण क्या खाक बेचेगा, बोले नहीं बेचूंगा। शाम को आया, सबसे ज्यादा बेची, और बोले कमाल कर दिया, बेची कैसे, बोले मैं लोगों के घर गया, घंटी बजाई, रामायण दिखाई, बोला खरीदता है कि सुनाऊं। तो मारवाड़ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ, हमारा मारवाड़।